तो इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 15 यानी कि टाटा आईपीएल 2022 काफी रोमांचक और जबरदस्त होने वाला है, जहां इस सीजन के लिए आईपीएल की सभी 10 टीम पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आईपीएल 2022 के लिए आईपीएल के सभी 10 टीमों के फॉरेन प्लेयर लिस्ट के बारे में, यानी कि विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट दिखाने और बताने वाले हैं कि आखिर सभी 10 टीमों में टोटल कितने कितने ओवरसीज यानी कि विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं, कितने कितने फॉरेनर खिलाड़ी सभी टीमों में मौजूद हैं और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यानी कि आरसीबी की। तो टाटा आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी की टीम में टोटल 8 विदेशी यानी कि 8 ओवरसीज फॉरनर खिलाड़ी मौजूद हैं। पहले ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो हैं फॉफ डुप्लेसिस, साउथ अफ्रीका के जबरदस्त एक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर बैट्समैन। दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं फिन एलन, न्यूजीलैंड के युवा विकेट कीपर बैट्समैन। तीसरे खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के, जो काफी शानदार विस्फोटों की बल्लेबाजी करते हैं और स्पिन बॉलिंग भी काफी शानदार कर लेते हैं। बात करें चौथे ओवरसीज के बारे में तो वो हैं सिरफेन रदरफोर्ड, वेस्टइंडीज के हार्ड हिटर बैट्समैन, जो कि ये लोअर ऑर्डर के काफी शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। बात करें पांचवे विदेशी खिलाड़ी के बारे में तो वह है वरिंदु हसरंगा, श्रीलंका के बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर, जो कि फिलहाल T20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर में भी टॉप पर मौजूद हैं। और इस बार मेगा ऑक्शन से आरसीबी की टीम ने वरिंदु हसरंगा को काफी महंगे में खरीद कर अपने टीम में शामिल किया है, जो स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बात करें इस लिस्ट के छठे खिलाड़ी की तो छठे विदेशी खिलाड़ी हैं वो हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली, जबकि सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं जोश हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जबकि आठवें विदेशी खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के ही फास्ट बॉलर जेसन बैरनड्रॉफ। तो ये रहे आरसीबी के 8 ओवरसीज यानी कि 8 विदेशी खिलाड़ी और इनके नाम। अब अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस के बारे में तो आईपीएल 2022 के लिए गुजरात टाइटंस की टीम में भी टोटल 8 विदेशी यानी कि 8 ओवरसीज खिलाड़ी मौजूद हैं। तो इन 8 फॉरनर खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस तरह से है। नंबर 1 पर जेसन रॉय, जिन्हें आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया था। दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं मैथ्यू वेड, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि तीसरे विदेशी खिलाड़ी हैं जबरदस्त हार्ड हिटर बैट्समैन डेविड मिलर, जबकि चौथे विदेशी खिलाड़ी हैं डोमिनिक डार्क्स। तो वहीं पांचवे विदेशी खिलाड़ी हैं गुजरात टाइटंस की टीम में वो हैं राशिद खान। तो वहीं छठे विदेशी खिलाड़ी हैं गुजरात टाइटंस की टीम में न्यूजीलैंड के बेहतरीन T20 गेंदबाज लुकी फर्ग्यूसन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम में सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज के बेहतरीन T20 गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, जबकि आठवें विदेशी खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी गेंदबाज नूर अहमद। तो ये गुजरात टाइटंस के 8 विदेशी खिलाड़ी और उनके नाम। अब चलिए बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR के ओवरसीज यानी कि विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में। तो KKR की टीम में भी टोटल 8 विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। तो ओवरसीज खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है सैम ब्रिंग्स का, इंग्लैंड के बेहतरीन युवा विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि इस बार KKR की टीम में शामिल है। दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं वो हैं एलेक्स हेयर्स, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी T20 लीग खेलते हैं और वहां पर ये लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन माने जाते हैं। बात करें तीसरे विदेशी खिलाड़ी के बारे में तो वो हैं अफगानिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस जबरदस्त ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, जबकि चौथे विदेशी खिलाड़ी हैं आंद्रे रसल ऑलराउंडर, पांचवे विदेशी खिलाड़ी हैं सुनील नारायण ऑलराउंडर। तो छठे विदेशी खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं टिम साउथी, न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जबकि आठवें खिलाड़ी हैं KKR की टीम में फॉरनर खिलाड़ी के तौर पर वो हैं श्रीलंका के बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर चमिका करुणा रत्ने। तो गाइस सीधे कोलकाता नाइट राइडर्स के 8 विदेशी खिलाड़ी और इनके नाम। अब अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जेंट्स के बारे में तो टाटा आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम में टोटल 7 विदेशी खिलाड़ी यानी कि 7 ओवरसीज खिलाड़ी मौजूद हैं। तो फॉरनर खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस तरह से है लखनऊ की टीम में। तो लखनऊ की टीम में पहले विदेशी खिलाड़ी हैं क्विंटम डिकॉक, साउथ अफ्रीका के जबरदस्त विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर, जबकि दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं एविन लुविस, वेस्टइंडीज के बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। तीसरे विदेशी खिलाड़ी हैं लखनऊ की टीम में मार्कस स्टोइनिस, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर। चौथे विदेशी खिलाड़ी हैं जेसन होल्डर, जो गेंदबाजी के साथ साथ काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, जबकि पांचवे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर हैं काइल मैरिस। छठे विदेशी खिलाड़ी हैं दुष्मंता चमीरा, जबकि सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाज मार्क वुड। अब के लिए बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में। तो टाटा आईपीएल 2022 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम में टोटल 7 विदेशी खिलाड़ी, 7 फॉरनर खिलाड़ी मौजूद हैं। तो विदेशी खिलाड़ी की लिस्ट में नंबर 1 पर नाम है डेविड वार्नर का, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। नंबर 2 पर रोमन पॉल, वेस्टइंडीज के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर
ऑलराउंडर बैट्समैन। तो वही तीसरे विदेशी खिलाड़ी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में टिम साइफर्ट विकेट कीपर बैट्समैन, न्यूजीलैंड के चौथे विदेशी खिलाड़ी है मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर, जबकि पांचवे विदेशी खिलाड़ी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वो है एनरिच नोर्तजे साउथ अफ्रीका के बेहतरीन तेज गेंदबाज। छठे विदेशी खिलाड़ी हैं लुंगी निगड़ी साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज, जबकि सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के वन ऑफ द बेस्ट टी ट्वेंटी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जो कटर गेंदबाजी काफी शानदार करते हैं, अपनी गेंदबाजी में काफी मिश्रण करते हैं। तो गाइस ये दिल्ली कैपिटल्स के सात फॉर्मर खिलाड़ियों की कंप्लीट प्लेयर लिस्ट है। अब चलिए बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके टीम के बारे में। तो सीएसके की टीम में टोटल 8 विदेशी खिलाड़ी हैं। तो ओवरसीज खिलाड़ी की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं डिवॉन कॉनवे, न्यूजीलैंड के बेहतरीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं मोइन अली, इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, जबकि तीसरे विदेशी खिलाड़ी हैं तो वो है ड्वेन पिटेरियस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, जबकि चौथे विदेशी खिलाड़ी डीजे ब्रावो यानी कि ट्वेन ब्रावो, पांचवे विदेशी खिलाड़ी हैं क्रिस जॉर्डन बेहतरीन टी ट्वेंटी गेंदबाज इंग्लैंड के। तो वहीं छठे विदेशी खिलाड़ी हैं मिचेल सेटनर स्पिनर ऑलराउंडर न्यूजीलैंड के, सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं आदम मिलने न्यूजीलैंड के ही बेहतरीन तेज गेंदबाज, जबकि आठवें विदेशी खिलाड़ी हैं महेश तिक्साना श्रीलंका के गेंदबाज। अब चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। तो आईपीएल 2022 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम में भी टोटल 8 विदेशी खिलाड़ी यानी कि 8 फॉर्मर खिलाड़ी मौजूद हैं। तो नंबर 1 पर डिवॉल्ट ब्रेबिस साउथ अफ्रीका के यंग बल्लेबाज जिन्हें बेबी एबी डिविलियर्स कहा जाता है। बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वह है कालन पोलार्ड, जबकि तीसरे विदेशी खिलाड़ी है टिम डेविड, चौथे विदेशी खिलाड़ी है डैनियल सामसे, तो वहीं पांचवे विदेशी खिलाड़ी है फाबिन आलन वेस्टइंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर, छठे विदेशी खिलाड़ी है जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के जबरदस्त तेज गेंदबाज, हालांकि साल 2022 का आईपीएल नहीं खेलेंगे, ये साल 2023 से खेलेंगे इंजरी की वजह से, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने इन्हें मेगा ऑक्शन से खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। जबकि सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं टाइमल मिल्स इंग्लैंड के गेंदबाज, आठवें विदेशी खिलाड़ी हैं रैली मैडी थी। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो आईपीएल 2022 के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी टोटल 8 विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। पहले ओवरसीज यानी कि फॉर्नर खिलाड़ी के तौर पर है जोस बटलर इंग्लैंड के बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर, दूसरे ओवरसीज खिलाड़ी हैं बेहतरीन टी ट्वेंटी विस्फोटक बल्लेबाज सेवरन हेटमायर जो काफी शानदार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, तीसरे विदेशी खिलाड़ी हैं ऋषि वंदर दुसान साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट उभरते हुए स्टार जो काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो ये चौथे खिलाड़ी हैं ड्रायल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, पांचवे विदेशी खिलाड़ी हैं जेम्स निसाम न्यूजीलैंड के ही ऑलराउंडर, जबकि छठे विदेशी खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग ऑलराउंडर नथन कल्टर नाइल, जबकि सातवें विदेशी खिलाड़ी के तौर पर है ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के वन ऑफ द बेस्ट टी ट्वेंटी गेंदबाज एक्सपीरियंस गेंदबाज, जबकि आठवें विदेशी खिलाड़ी हैं ओबेद मोगे। तो गाइस सीरी राजस्थान रॉयल्स के 8 विदेशी खिलाड़ी टाटा आईपीएल 2022 के लिए। अब चलिए बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में। तो आईपीएल 2022 के लिए पंजाब किंग्स की टीम में टोटल 7 ओवरसीज यानी कि 7 विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। अब पहले ओवरसीज यानी कि फॉर्मर खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं जॉनी बेरिस्टो इंग्लैंड के जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर, दूसरे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर हैं भानुका राजपक्षा श्रीलंका के बेहतरीन बल्लेबाज, तीसरे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर हैं लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर जो काफी शानदार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, ये टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कहीं पर भी खेल सकते हैं और हर जगह ये छक्का मार सकते हैं। बात करें चौथे विदेशी खिलाड़ी के बारे में तो वह हैं बेनी हॉवेल, तो ये पांचवे विदेशी खिलाड़ी हैं कगिसुर बादा साउथ अफ्रीका के जबरदस्त तेज गेंदबाज, जबकि छठे विदेशी खिलाड़ी हैं ओडेन स्मिथ वेस्टइंडीज के बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर, जबकि सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं नथन एलिस। अब अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में तो टाटा आईपीएल 2022 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में टोटल 8 विदेशी 8 ओवरसीज यानी कि फॉर्मर खिलाड़ी मौजूद हैं। तो विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं केन विलियमसन जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन, जबकि दूसरे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर निकोलस पुरन वेस्टइंडीज के जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर, तीसरे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में वो है एडिन मार्करम बेहतरीन बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के, जबकि चौथे विदेशी खिलाड़ी हैं गिलेन फिलिप्स विकेट कीपर बैट्समैन न्यूजीलैंड के, पांचवे विदेशी खिलाड़ी हैं रोमारियो सेफर्ड, छठे विदेशी खिलाड़ी हैं फजल हक फारूकी, सातवें विदेशी खिलाड़ी हैं शीन आबोट, आठवें विदेशी खिलाड़ी हैं मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के बॉलिंग ऑलराउंडर। तो गाइस ये सनराइजर्स हैदराबाद के 8 फॉर्मर खिलाड़ी आईपीएल 2022 के लिए, जो कि आईपीएल 2022 के लिए आईपीएल की सभी 10 टीमों के विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहां पर भी वर्ल्ड में सबसे फास्ट क्रिकेट की हर अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।